Hello students, welcome back to my channel Crackboard 1819, it's Anu Verma. Aaj hum baat karenge 1 aur 2 marks or questions ki jo second part yani integration, probability, vectors in chapters par based questions hain. Sabse pehle hum lete hain chapter integration, chapter 7, theek hai? Ab isme kis type ka question hai jo 2 marker mein aa sakta hai? जैसे सिंपल इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं चाहे वो डेफिनेट के हैं या इनडेफिनेट के हैं बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे 2 मार्क्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे दिए हैं आपको जैसे सपोज 1 upon log x minus 1 upon log x square dx ऑब्वियस है log को जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करते हैं बाय आइलेट बाय पार्ट्स केवल एक टर्म को आपने इंटीग्रेट करना है दूसरा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा राइट log x upon x square dx इसको कैसे सॉल्व करना है आपने सपोज log x को आपने अज्यूम किया t 1 upon x एडजस्ट हो जाएगा dt के साथ और एक x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं दैट इज e टू द पावर t अगेन इसमें हमें क्या अप्लाई करना है आइलेट ठीक है cos 2x को हम अप्लाई करते हैं फार्मूला होता है इसका cos square x minus sin square x उसको एक बार प्लस एक बार माइनस डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इसको आप t लेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा दीस आर 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस 4 upon 1 plus sin x कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 minus sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने अपॉन में आपको मिल जाएगा 1 minus sin square x दैट इज cos square x और उसको सेपरेट करके आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें हम पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसके बाद 2 sin a sin b एक डायरेक्ट फार्मूला है cos a minus b minus cos a plus b का ठीक है दोनों टर्म्स डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं नेक्स्ट e टू द पावर 2x minus e टू द पावर minus 2x अपॉन में बीच में प्लस साइन है इसको आप t लेंगे ये आपका एडजस्ट हो जाएगा 1 upon 2 आउटसाइड कर सकते हैं सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है अगर a plus x है कहीं पर भी तो आपने x को पुट करना होता है a tan square theta जब आप ये पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो करके sin inverse से कैंसिल हो जाएगा ठीक है अगर 0 to pi by 2 इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये डेफिनेट का क्वेश्चन है I लेके आप इसको सॉल्व करेंगे और दोबारा आपने इसमें a minus x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं ठीक है तब ये सॉल्व हो जाता है ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप है x xn minus 1 टाइप इसमें xn minus 1 को हम t लेते हैं nxn minus 1 एडजस्ट हो जाता है और ये वापस t की टर्म्स में इजीली कन्वर्ट हो जाता है तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रल के जो 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन हैं अब डेफिनेट से आपका 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो चैप्टर आपका 9 है और 9 चैप्टर कौन सा है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन यस तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि 8 चैप्टर से कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जैसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है तो पहले आपने 1 minus y square से complete equation को क्या करना है? Divide करना है. उसके बाद y upon 1 minus y square complete काम करेगा p का और integral e to the power integral p dy आप यहाँ पे use करेंगे. या find the differential equation of system of concentric circles with center 1, 2. उसके लिए आपको क्या करनी है? Differential equation find करनी है. Circle के equation क्या लेंगे आप? x minus h whole square x minus 1 whole square y minus 2 whole square equals to r square इसमें केवल एक unknown है that is r केवल आपको एक ही time differentiate करना है वो equation आप form करेंगे form the differential equation of family of curves इस type से क्योंकि 2 arbitrary constants हैं तो आप इसको दो बार differentiate करेंगे और तब equation आप find करेंगे Find the integrating factor of this. Integrating factor के लिए minus 3 cot x. किसके place पर है? P के place पर. E to the power integral P dx. वो क्या होगा इसका? Integrating factor. उसको आप solve कर देंगे. P के place पर आप use करेंगे minus 3 cot x. Right?
या डिग्री और ऑर्डर, सपोज इस इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर आपको फाइंड करना है और वो आपको गिवन है कि वो पी और क्यू के इक्वल है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3p माइनस 2q की. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन? ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है. या सिंपल एक कर्व आपको दिया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको वेरीफाई करना है कि इसका एक ये सॉल्यूशन है. तो आपने इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करना है, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना है और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके इसको प्रूव कर सकते हैं. तो ये थे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन. इसके अलावा हमारे पास जो 2 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं चैप्टर वैक्टर से. तो चैप्टर वैक्टर के आपके कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं? चैप्टर वैक्टर में जैसे आपको 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर गिवन है और किसी एक में अननोन है वो आ सकता है, या वेक्टर्स को पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करने के लिए, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 10, दैट इज वेक्टर्स. तो चैप्टर 10 वेक्टर्स में जो क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे मॉड ए इक्वल टू मॉड बी गिवन है. दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. ये आपके पास क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वेक्टर इक्वल हैं तभी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए आपने लिया आई प्लस जे और वेक्टर बी आपने लिया आई माइनस जे, तो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन वो दोनों वैक्टर अनइक्वल हैं. इस टाइप से आपने एग्जाम्पल दे के इसको प्रूव करना है. फाइंड स्केलर एंड वैक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेयर इनिशियल पॉइंट ए एंड बी आर. सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल. जब भी हम ए बी वैक्टर फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. इसका पोजिशन वैक्टर -5i + 7j और इसका पोजिशन वैक्टर हो जाएगा 2i + j. तो आपने वेक्टर ए बी फाइंड करना है. उसमें आई और जे के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आप इस फॉर्म में देंगे तो ये कार्टेशियन कंपोनेंट कहलाते हैं, और अगर वेक्टर की फॉर्म में देंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे. ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है. ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आई जे के कोफिशियंट्स को कलेक्ट कर देंगे. परपेंडिकुलर है सी के, यानी डॉट प्रोडक्ट को पुट करना है आपने 0 के इक्वल. वहाँ से लैम्डा आपको इजीली मिल जाएगा. If A is non-zero vector such that mod A is magnitude of A is A, simple, then M A is unit vector, find the relation between M and A. If this is a unit vector, then magnitude of this is 1. That means M into magnitude A is equals to 1. Yani M into A equals to 1. This is the relation between M and A. कोई vector A given है, B given है, अगर ये like vectors हैं, तो a इक्वल्स टू लेमडा बी एंड लेमडा इज पॉजिटिव, ठीक है. लेकिन यहाँ पे -1 है लेमडा की वैल्यू, दैट मीन्स दीज आर नॉट लाइक वैक्टर्स. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. अगर सपोज आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है कि इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम क्या रख देंगे? 0. या कभी कभी प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एक वैक्टर गिवन है जिसका आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है दूसरे वैक्टर पर, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी से हम फाइंड करते हैं. या सिंपल पैरेललोपाइप्ड या क्यूबॉइड का एरिया फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आ सकता है, या एरिया फाइंड करने के लिए आ सकता है, या सिंपल 3 वेक्टर्स को कोप्लिनर प्रूव करने के लिए. ये सब 2 मार्कर क्वेश्चन है आपके. तो वेक्टर में जितने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सब 2 मार्कर हैं. ऑब्जेक्टिव इस टाइप के, जैसे ये 1 मार्कर है, ये आपका 1 मार्कर है, ए इज नॉन जीरो, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम एंड ए, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है. तो इस टाइप से आपने करना है. एक टॉपिक है आपका 3D का, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, क्योंकि कोई भी अगर एक वेक्टर जनरल आपको गिवन है और उसके DRs आप फाइंड कर सकते हैं, IJK के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो बन जाते हैं DCs. या एंगल गिवन है अल्फा बीटा गामा, वहां से आपको फाइंड करना है क्या एलिमेंट की वैल्यू, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आप यूज कर सकते हैं, ठीक. अगर 2 DCs आपको गिवन है, थर्ड आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल L² + M² + N² = 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स में, वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा? प्रोबेबिलिटी में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स में आ सकता है,
जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो ये थे आपके 2 मार्कर क्वेश्चन और 1 मार्कर क्वेश्चन। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स में क्वेश्चंस बनेंगे, 2 4 मार्क्स के और 1 2 मार्क्स का। ठीक है, या 1 6 मार्क्स का, 1 4 मार्क्स का। एक्चुअली क्या है कि इस साल से बोर्ड ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं कि कोई श्योरिटी नहीं है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस 6 के आएंगे और किस से 4 के आएंगे। तो 4 और 6 मार्क्स में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है कि जहाँ से 4 मार्क्स आता था वहाँ से 6 मार्क्स आ सकता है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो सपोज 4 और 2 में वैसे कम चांस हैं, लेकिन दे सकते हैं कि 2 में केवल लीनियर इन इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, बाकी सॉल्व नहीं करना है, केवल फॉर्मुलेट करना है तो उसमें, या मैट्रिक्स की केवल इक्वेशंस फॉर्म करनी है तो वो 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में चेंज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस थे वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेकेंड पार्ट में जो आपका 3D का चैप्टर है उससे मोस्ट प्रॉब्ली आपके 4 4 मार्क्स या 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब आपका प्रोबेबिलिटी से आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं। प्रोबेबिलिटी से आपने सिंपल इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे। बाकी सब क्वेश्चंस जो आगे की एक्सरसाइज के हैं या बाइनोमियल का भी, रेयर का भी, डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है, सिंपल एग्जैक्ट 2 इवेंट्स या एग्जैक्ट एन और आर आपको गिवन है उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्कर में आ सकता है। तो ये थे आपके मेन क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के थे। यस, अब आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज आपके आएंगे उनको हम अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।